अजीत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं फिर से मेंसुरेशन का, और ये 4 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में, और इस टाइप के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम भी स्टूडेंट्स को काफ़ी होती है, तो आज इस प्रॉब्लम को भी खत्म कर देते हैं। ध्यान से देखना, एंड तक देखना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, और इसके बाद इस टाइप के कोई भी क्वेश्चनों का आप आसानी से कर पाओगे। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, और क्वेश्चन भी देखो मैं बता देता हूँ हिंदी में इसको। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। पानी जो है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर घंटे 3 किलोमीटर पानी बह रहा है। किससे? देखो, थ्रू अ सर्कुलर, फ्लो का मतलब बहना होता है, यानी फ्लो करना। ओके, थ्रू अ सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप है, सर्कल के टाइप का पाइप है। ओके, ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, जिसके डायमीटर कितनी है, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इंटू अ सर्कुलर सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न बी फिल्ड? सिस्टर्न का मतलब होता है हौज या पानी की टंकी, आप इसे बोल सकते हो। तो एक सर्कुलर पाइप मतलब बोलने का मतलब क्या हो गया कि सर्कुलर का मतलब सर्कल शेप में पाइप नहीं, सर्कुलर उसका बेस होगा और उसमें से पानी बह रहा है, और जिसके आपको ना डायमीटर भी दे रखी है, इंटरनल डायमीटर है, इसकी डायमीटर कितनी है 20 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी होगी, 10 होगी उसके हाफ, और इसमें से पानी सारा निकल के, यहाँ पानी है, मान लो पानी का कोई भी पार्टिकल है, और वो निकल के फिर बह के कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है सिस्टर्न में, ये हौज है टंकी, और टंकी में फिल। और टंकी कैसी है, तो टंकी के लिए उसने बता दिया हुआ है कि सर्कुलर, कैसे सिस्टर्न है, जो सिस्टर्न है वो भी सर्कुलर है, सर्कुलर शेप तो है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसके डायमीटर भी है, डेप्थ भी है, हाइट भी है। तो जब हाइट है इसका मतलब वो बनेगा क्या, सिलेंडर, क्योंकि उसका बेस तो सर्कुलर होगा लेकिन फिगर क्या बनेगा, वो सिलेंडर बनेगा। तो ये आपको समझ लेना है। अगर उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ दी होती तब वो क्या बनता, तब वो बनता क्यूबॉइड। ओके, इसका ध्यान रखना कि वो हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है। सर्कुलर बेसक बोला गया तो सर्कुलर का मतलब ही नहीं, सर्कल बना लेना उसमें, ये देखना अगर सिर्फ रेडियस है तब तो सर्कल हो सकता है, बट सर्कल वैसे देगा नहीं आपको, उसमें फिर उसकी डेप्थ या हाइट जो भी है वो लिखा हुआ आएगा, तो वो बनेगा सिलेंडर। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें करना क्या है इसमें। देखो, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखो, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन, और बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है आपको क्वेश्चन में, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो स्पीड होगी पानी की, तो पानी इसमें से जितना फ्लो करेगा, इसमें से जितना पानी निकलेगा वही तो उसकी स्पीड होगी, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दूँ। देखो, अगर मैं दो चीज़ें समझ लेते, देखो पहले अगर मैं पानी की बात करूँ, तो पानी इसमें से जितना पानी इसमें पाइप में होगा उतना ही पानी फ्लो करके इसमें आएगा, तो पानी की स्पीड कितनी बता रखी है, हर घंटे 3 किलोमीटर पानी इस पाइप से निकलता है, यानी कि जो पाइप है ना उस पाइप की लेंथ कितनी हो गई, वो 3 किलोमीटर हो गई, तो लेंथ 3 किलोमीटर हो गई, या इसी को आप लिख सकते हो 3000 मीटर, मीटर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, तो 3000 मीटर लिख सकते हो, 3 किलोमीटर या 3000 मीटर, क्योंकि बाकी चीज़ें मीटर में है, तो इसे भी हमें मीटर में लेके चलना पड़ेगा। यानी कि जो स्पीड ऑफ, जो वाटर की जो स्पीड थी पानी की स्पीड, तो यही अपने आप में क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लंबाई हो जाएगी। हमेशा हर क्वेश्चन में इस टाइप में जो पानी की स्पीड होगी पाइप, ओके, तो पानी की जो स्पीड होगी वही उस पाइप की लंबाई हो जाएगी, उसको हम कंसिडर कर लेंगे कितना, 3000 मीटर। ओके, यानी कि हर घंटे हमने मान लिया कि 3000 मीटर पानी इसमें से निकलता है हर घंटे, तो आवर्स में ध्यान रखना, अभी आवर को हमने कुछ भी नहीं किया है। ओके, इसको हम बाद में यूज करेंगे। उसके बाद क्या, हमें इंटरनल डायमीटर दे रखी है, लेंथ होगी, लेंथ का मतलब पाइप की जो लेंथ है वही तो उसकी हाइट होगी, तो इसको हम एज ए हाइट भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात करूँ तो इंटरनल डायमीटर हमारे पास है, इंटरनल डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाइप कितनी है क्वेश्चन में गिवन वैल्यू, आपको ये गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो इसे 20 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अच्छा, इंटरनल डायमीटर है, तो इंटरनल अगर आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस कितना आएगा, डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान के रखना, बाकी वैल्यूज हमारे पास मीटर में है ऑलमोस्ट वैल्यू, तो हम इसे मीटर में भी हम चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100, ये 10/100, दैट मीन्स ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 मीटर। ओके, ये रेडियस किसकी आ गई, पाइप की। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है, अब सिस्टर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सिस्टर्न जो हौज है हमारे पास, टैंक जो है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डायमीटर ऑफ सिस्टर्न लिख लो, डायमीटर ऑफ सिस्टर्न कितना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 10, तो 10 गिवन है,
10 मीटर, तो रेडियस कितना होगा इसका? आप चाहो तो एक के पहले के रेडियस को आर वन, इसके रेडियस को आर टू ऐसे दे सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड, 5 मीटर। ये तो मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे डेप्थ भी दे रखी है, डेप्थ का मतलब इसकी गहराई, कितना पानी आ सकता है यहाँ से यहाँ तक, कितना पानी आ सकता है, यानी इसकी ऊंचाई होगी वही जो इसकी गहराई। तो हाइट कितनी गिवन है आपको? हाइट गिवन है 2 मीटर। बस इतना ही करना था, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान होगा। इतना समझ लिया आपने ना तो समझो अब क्वेश्चन हो गया। देखो अब कितनी आसानी से मैं इसे कर देता हूँ। अब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है और हमेशा आंसर आ जाएगा इसे। आपको लिखना क्या है, टाइम निकालना ना, कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में। तो टाइम इक्वल टू, आपको दिख रहा है, यस, टाइम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टर्न, यानी हौज में जितना पानी है उसका वॉल्यूम, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम को मैं शॉर्ट में वॉल ऐसे लिख देता हूँ, आप पूरा लिख देना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर किस में है? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, जो फ्लो का मतलब बहना, जो पानी बह रहा है किस चीज़ से? पाइप से। तो फ्लोइंग इन द पाइप, ओके। बस इतनी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इतना अगर आपने कर लिया तो समझ लो। ऊपर का तो समझ में आ गया आपको, बस लिखना है क्या क्या वैल्यू गिवन है, वो सारी चीज़ें हम कन्वर्ट कर लें। इसको लिखने के बाद आप इसको डिवाइड कर दो, वॉल्यूम वाटर इन सिस्टर्न, सिस्टर्न क्या है अपने आप में? सिस्टर्न एक सिलेंडर है और वो क्या है? वो भी एक सिलेंडर है। तो दोनों अपने आप में सिलेंडर है, तो फॉर्मूला आप किसका लगेगा? सिलेंडर का। तो पहले तो इसके लिए पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना इसको कैंसिल मत करना क्योंकि दोनों अलग अलग है। आप चाहो तो पहले के रेडियस को आप आर वन दे सकते हो अगर प्रॉब्लम ना हो तो, ज़्यादा दिक्कत से बचने के लिए। इसको आर टू, और पहले वाले इसमें जो लेंथ थी इसको आप एच वन मान सकते हो, और दूसरे वाले के लिए इसको एच टू। ओके, इसको बाद में लिखना, मैंने पहले लिख दिया कि वो लास्ट में लिखा इसलिए। तो आप इसे आर वन, देखो सिस्टर्न तो बाद में लिखा ना आपने, सबसे पहले कौन सा लिखा था? सबसे पहले तो पाइप की बात थी, और नीचे हमें पाइप को लेना है। तो आर वन और एच वन नीचे आ जाएगा, और ये आर टू और एच टू, फॉर्मूले में इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। हो गया, अब इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म है। बस पाई से तो पाई पहले कैंसिल कर दो आप, ओके। आर टू का स्क्वायर, आर टू हमारे पास कितना है? 5, तो 5 × 5। और एच टू कितना है? एच टू हमारे पास है 2, ओके। अपन में आर वन कितना है? तो आर वन देखो कितना है, 1/10। आर वन का स्क्वायर है तो 1/10 दो बार लिखेंगे, और इंटू में एच वन, एच वन शुरू में कितना है हमारे पास? 3000, तो इसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई में 3000। अब इसे सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया। 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर सकते हो, ऊपर कितना है इसे 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 × 5 और 5 × 6 = 30। 2 से इसे कैंसिल कर सकते हो 3 times में, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 3, तो दैट मीन्स क्या आ गया हमारे पास? 5/3 hours, 5/3 घंटे। या तो आप ये आंसर लिख सकते हो, लेकिन इसे आप मीटर में, मिनट में और आवर में अलग अलग कन्वर्ट कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? आपको पता है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैंसिल होगा, तो कितना आएगा 20, ये कितना हो गया 100 मिनट। या तो इसे ऐसे लिख लो 100 मिनट, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 60 मिनट तो अपने आप में 1 आवर हो जाएगा, और बाकी बचेंगे कितने? 40 मिनट। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? 100 मिनट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 आवर, 1 घंटे, और 20 कितना आ जाएगा? 60 मिनट तो आपका 1 घंटा हो गया, बचेगा कितना? 40 मिनट, तो 40 मिनट, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 1 आवर 40 मिनट्स। यहाँ पे आप साइड में लिख के दिखा सकते हो कि आपने इसे कैसे 60 से जो मल्टीप्लाई किया, तो उसके लिए लिख सकते हो बिकॉज 1 आवर = 60 मिनट, ओके। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हो, होपफुली समझ में आ गया होगा पूरा, और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना। ये जितनी चीज़ें बताई इसी तरीके से लिखना है आपको हमेशा, ये डायरेक्ट करना है आपको। जबकि आप बुक्स में या आर डी शर्मा में या टीचर से आपको समझाएंगे तो अलग अलग लिख के दो दो बार सॉल्व करवाते हैं फिर अपन, तो उन चीज़ों से बचना आपको, डायरेक्ट यूज करना है, ओके। होपफुली समझ में आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो आपको। और बाकी 4 मार्क्स की मैंने और कई सारी वीडियो अपलोड करके, तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। ट्रेगो पूरा है ऑलरेडी अपलोड, तो उसे भी आप देख सकते हो। और जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दिया करो। बाकी आपने और कुछ शॉप की डिमांड आ चुकी है, मैं उसे भी जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा।
तो वीडियो को देखो, लाइक करो, दूसरों को भी शेयर करो।